देखिए पाकिस्तान ने भारत के अंदरूनी मामलों में इंटरफेरेंस करने की बहुत कोशिश की है। तीन बार आप लड़ाई कर चुके हैं, तीनों बार हारे हैं, तीनों बार फतेहयाब हुए हैं सर। हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट ना कीजिए सर, इट्स अ लॉन्ग डिबेट, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट ना कीजिए। जो अभी अभी मैंने सवाल किया उसी पे रहे तो मेरा ख्याल है मुनासिब होगा। नहीं ये आपको लगते है ना जज्बात, ये परसों 13 हमने टेररिस्ट मारे हैं, इनमें कितने पाकिस्तानी रेजिडेंट है? टेररिस्ट मारे ये लश्कर तोयबा के लोग है, ये जैसे मोहम्मद के लोग है, ये कश्मीरी नहीं है। मुझे अफसोस कश्मीरियों के लिए जो आपके कश्मीरी शहरियों को, आम कश्मीरी शहरियों को आपने मारा है, निहत्तों को मारा है। और बानी लश्कर तैयबा था बात है तो आप इंटरनेशनल मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे? आप जाने दें ना इंटरनेशनल मीडिया को, आप हकूक इंसानी की तंजीमों को जाने दें। किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को आप शादी में दाखिल नहीं होने देते, क्यों पाबंदी है वहां इंटरनेशनल मीडिया पर? अभी आप खुद कह रहे हो कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आते हैं, वो क्या रिपोर्ट देते हैं? अगर आने नहीं देते तो रिपोर्ट कैसे देते? बिल्कुल इलेक्शन में तो बिल्कुल किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को आप नहीं जाने देते। आपने इलेक्शन को बेंचमार्क कहा था वहां पर इंडियन कंट्रोल के हवाले से, जिस किसी कंट्रोल और मॉनिटर्ड इलेक्शन होते हैं हम सब जानते हैं जी। आपके अपने लोगों की हमने बात की थी, जनरल साहब ने बात की, आपके अपने जो लोग वहां चले जाते हैं वो भी भारत के खिलाफ बात करते हैं। वहां अरुंधती राय की राय आप पढ़ लें, आप उजय शुक्ला की पढ़ लें, आप खालिद हसन की पढ़ लें, ये रिपोर्टें वहां शाया होती हैं, आपको ये चीजें नजर नहीं आती। आज एक ट्वीट लाखों लोग निकलते हैं, वो लाखों लोग निकलते हैं, आपको नजर नहीं आती। उनकी ट्वीट है और वो ट्वीट में ये कहते हैं कि आज चार लोग फिर मारे गए, ये कल की ट्वीट है गालबन, और गोलियां मारी। वो कहते हैं कि जी फिर आप कहते हैं कि ये कश्मीरी जो है ये हमारे इंटीग्रल पार्ट है, उन्होंने कहा जी जिनको गोलियां मार रहे हैं वो तो आपका मुंह नहीं देखेंगे, ये ट्वीट आप देख। जनरल साहब इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक की जानिब जाना है। जनरल राज कादियान। हाँ जी जी जी, देखिए जो ये भारत एक सही मायने में डेमोक्रेसी है, इसीलिए हमारे अपने लोग भी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। आप लोगों को डेमोक्रेसी का तजुर्बा नहीं है, आप लोग डेमोक्रेसी सिर्फ कागज पर हो। 33 साल तक पाकिस्तान डिक्टेटरशिप के नीचे रहा है, अभी भी पॉलिटिकल लीडर सिर्फ पावर में है, कंट्रोल में नहीं है। वो इसका कश्मीर की आजादी से क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक है आप कश्मीर में जमहूरियत का असूल मान लेना, कश्मीर में जमहूरियत का असूल मान लें, जो जो चाहे हम करें। जनरल साहब माल के साथ सवाल गंदम होता है, जवाब चना आता है। ये मैं सवाल कश्मीर का करती हूँ, जवाब बलूचिस्तान का देते हैं। मैं सवाल कश्मीर पे पूछती हूँ, जवाब जमहूरियत पाकिस्तान में जमहूरियत पे देते हैं। कश्मीर की बात कीजिए ना सर। कश्मीर का मैंने शुरू में कश्मीर में जमहूरियत का असूल अपना ले सर। जो डॉक्टर फरीद बराजा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आप जमहूरियत की बात करें, कश्मीर में ही जमहूरियत ले आइए, खुद ही फैसला हो जाएगा। हमारे लिए कश्मीर भी, बाकी जो 28 सूबे और हमारे पास 29 स्टेट्स हैं, कश्मीर वो एक उसका हिस्सा है। कश्मीर भारत का खिलाफ है ना, वो आपको लगता है ना? अगर सब आपके खिलाफ है तो उन्होंने अपनी सरकार कैसे चुन ली 2014 में? वो वोट आपने डाले थे। 250 जिलों में इंसर्जेंसी है, आपके 680 जिलों में से 250 में। चले डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है। जनरल साहब ने कहा कि वोटों का आपको कैसे पता? वोट आपने डालते थे? वोट हमने नहीं डाले थे, वोट आपने डाले थे, वोट आपने डलवाए थे, जैसे आपका दिल चाहा था। आप लोगों ने उस तरह से इंजीनियर किया था उस इलेक्शन को, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और फिर भी आप डेमोक्रेसी की, सेक्युलरिज्म की और एक पीस लविंग कंट्री होने की बातें करते हैं, इस जरूरत के ऊपर की बातें करते हैं, इस जरूरत के ऊपर भी मैं आपको सलाम करना चाहती हूँ। मुझे एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जनरल अमजद शुएब साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे उसी से जनरल राज कादियान साहब को उसी हवाले से गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी कि सर आपने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है और भारत ये मामला हैंडल कर सकता है, लेकिन जनरल साहब ने जो नुकता उठाया वही आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जो जज्बा इस वक्त कश्मीरियों के अंदर मौजूद है खुद को आजाद कराने का, वो चाहे आप कितने भी बड़े हैं सर, वो माइट के साथ, वो पैसे के साथ उसको रोका नहीं जा सकता, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये तो आप पिछले 70 साल से यही बात कहते आए हो, ये आज तक रोका गया, आगे भी रोका जाएगा। जज्बात उनके नहीं, जज्बात उनकी
सरहद के पार से भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि भारत सेक्युलर कंट्री नहीं है, ये तो असलियत से भी बरखिलाफ बोल रहे हैं। हमारे पास क्रिश्चियन है, हमारे पास सिख्स हैं। सर उनका हाल क्या है? हर मजहब के लोग हैं। उनका हाल क्या है? सर हैं तो सब, लेकिन उनका हाल क्या है? कुछ नहीं है, आपको पता क्या है? हमको ज्यादा पता है। सर देखिए, सर अगर आप वहां बैठ के ये क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी करवाता है और कश्मीर के अंदर सारी मूवमेंट पाकिस्तान चलाता है, तो सर हम तो वो सिर्फ बातें बता रहे हैं जो रिपोर्ट होती है, इंटरनेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट होती है। कल भी हिंदू दलित जो है वो भारत के खिलाफ एक मुहिम चलाने के हवाले से बात कर रहे थे और वहां पर एक तहरीक चल रही है। सर वो तो अकलियत में भी शामिल नहीं होते, वो तो खुद हिंदूज हैं, तो भारत वाकई सेक्युलर स्टेट तो नहीं है सर। मोहतरमा, जहां तक कश्मीरियों के जज्बात का सवाल है, 2014 में आखिरी इलेक्शन हुए थे, रिकॉर्ड टर्नआउट था, लोगों ने अपने जज्बात वोट के जरिए जाहिर किए हैं। अपनी सरकार चुनी है, वो सरकार कश्मीर में हुकूमत चला रही। आपको मेरी इल्तिजा है कि आपको सरहद के पार तो हमारे जज्बात नजर आ गए, आप बलूचिस्तान में जज्बात क्यों नहीं देखते? सर बलूचिस्तान को हमें हैंडल करने दीजिए ना, बलूचिस्तान टेरिटरी नहीं है। बलूचिस्तान में क्या बलूचिस्तान की क्यों इस तरह हजारों की तादाद में लोग सड़क पे आते हैं? कभी बलूचिस्तान में जो दो दहशतगर्द आप भेजते हैं वो आ जाते हैं वहाँ पे, उसके अलावा तो बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं। बलूचिस्तान में जो कुछ होता है सर वो आप करवाते हैं, उसका हमारे पास सबूत है। बलूचिस्तान में अगर हालात ठीक होते तो वो तो 1948 से लेके अपने अभियान चलाए जा रहे पाकिस्तान के खिलाफ, वो क्यों चलाते? सर मैंने कहा ना, भारत को बलूचिस्तान की क्यों फिक्र खाई जाती है? सर बलूचिस्तान इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, कश्मीर इज। आप बलूचिस्तान को हमें हैंडल करने दीजिए ना, ये अच्छा कश्मीर के इशू को तो डिस्प्यूटेड आप लोगों ने करार दिलवाया। सर आप खुद अक्वाम मुत्तहिदा गए थे, वहां पर जो कुछ हुआ उसको आपने खुद तस्लीम किया, आप खुद मुकर रहे। मोहतरमा आपने पूछा भारत को बलूचिस्तान की क्यों फिक्र है, सही है, फिर पाकिस्तान को कश्मीर की क्यों फिक्र है? सर कश्मीर की फिक्र तो है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। कश्मीर हमारी शहरत है सर, कश्मीर की फिक्र तो हमें है। कश्मीर हमारी शहरत है, कश्मीर से आपका क्या ताल्लुक है? कोई कोई कश्मीर का किसी भी इतिहास है? वहाँ रोज पाकिस्तान के परचम लहराते हैं, वहाँ पाकिस्तान के परचम वहाँ घरों पे लहराए हुए हैं, पाकिस्तान का यौम आजादी के तौर पे मनाते हैं, भारत को यौम आजादी यौम स्याह के तौर पे मनाया जाता है। आप वहां की बात कर रहे हैं, वहां का एक एक दिन बता रहा है कि वो अपने साथ नहीं रहना चाहते, वहां रोज ले जी। डॉक्टर साहब के साथ हमारा लिंक चला गया। मीरवाइज उमर फारूक साहब हमारे साथ आपके ज्वाइन करने से पहले प्रोग्राम में मौजूद थे। जनरल साहब जो कुछ उन्होंने जिन एहसासात के हवाले से बात की वो अगर आप सुनते तो आपको पता चलता कि जो आप बात करें वो कितनी बरक्स है हकीकत के। जनरल साहब हठधर्मी का यही लेवल है, स्टेट लेवल पे बात करें, तजियाकारों के लेवल पे बात करें, मीडिया के लेवल पे बात करें, मानेंगे नहीं? देखिए बात यह है कि हकीकत से आंखें चुराने से मसला हल नहीं होता, ये चीज मैं नहीं कहता, आप या कोई और नहीं कहता, खुद इनके जो इंडिया में बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट इनके पॉलिटिशियंस हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो विजिट करके आए हैं कश्मीर, और उन्होंने आके रिपोर्ट्स दी हैं, उनकी क्लिप्स हैं मौजूद, मेरे पास क्लिप्स हैं मेरे टेलीफोन इसमें टेलीफोन के अंदर, जिसमें वो ये कहते हैं कि जी ये कश्मीर वो नहीं है जो मूवमेंट्स आप पहले कभी देखते रहे, ये वो मूवमेंट्स नहीं हैं। आज वहाँ पे सब कुछ नौजवानों के हाथ में जा चुका है और वो कतन किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। आज यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटियों की बच्चियाँ, ये एक जनरेशन है नई जिसमें एक नया ताज़ा जज्बा है और वो उठ खड़ी हुई है, और ये जनरेशन चूँकि जवान है, ये बड़े लंबे वक्त तक, अगर ये आज मसले को हल नहीं करते मुज़ाकरात के ज़रिए, तो बड़े लंबे वक्त तक ये जनरेशन जो है ये इसी जद्दोजहद को लेकर चलेगी। अब सूरत हाल ये है कि अगर आप आंखें बंद कर लें, हकायक से अपनी नज़र चुरा लें, तो उससे क्या हकायक छुप जाएंगे? मैं समझता हूं कादियान साहब को भी खुद जाना चाहिए कश्मीर जाके, तो वहां पे अपनी आंखों से देख लें कि अगर एक शख्स को ये गोली मारते हैं तो उसके जनाजे में क्या लाखों इंसान नारे लगाते हुए भारत के खिलाफ आजादी की मांगते हुए क्या नजर नहीं आते? क्या वो लोग भी पाकिस्तान? अगर आपको वो भी अगर वो भी दिखाई नहीं देते तो फिर अपने ही इंटेलेक्चुअल्स की क्लिप्स निकाल के सुने जो आपको बता रहे हैं कि वहां पे अब नारे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह,
और पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिस तरह परचम अब वो बेदरेग लहराते हैं, किसी वक्त में कोई खौफ था कि जी पुलिस पकड़ लेगी, पाकिस्तान का परचम लहराया, अब तो पुलिस भी हथियार फेंक चुकी है, अब तो आपको घर घर पे परचम नजर आता है, घर घर पे आपको कौमी तराना पढ़ा जाता है। तो ये चीजें जो हैं, जो अब आप आके अगर देखें, हकीकत को समझें, तो फिर कोई अकलमंदाना फैसला होगा, कोई पुरमन फैसला होगा, कोई ऐसी चीज होगी जो खून खराबे से बचाएगी। सही। अच्छा, जो मंजिल जो मंजिल उन्होंने पानी है, जो दीवार पे लिखा हुआ एक मैं समझता हूं कि एक नौश्ताए दीवार जैसे हम कहते हैं, वो तो है ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इस हकीकत को आज मानते हैं या इस हकीकत को कुछ सालों बाद मानते नहीं। अच्छा, जनरल राज कादियान मौजूद है हमारे साथ, आपने भी अभी कहा बार बार यही मौकफ दूसरी सरहद पास से हम सुनते भी हैं कश्मीर इशू को लेकर, सर के आप लोग ये कहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का मसला है, हम अपने मसले को खुद हैंडल कर सकते हैं, तो सर किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से, मुजाकरात से, प्लेबिसिट से क्यों इतना कतराता है भारत? खौफ तो फिर कोई है ना भारत के जहन में कि अगर कश्मीरियों को अपना हक खुद इरादियत दिया गया तो वो कभी भी भारत के साथ नहीं रहना पसंद करेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने भारत के अंदरूनी मामलों में इंटरफेरेंस करने की बहुत कोशिश की है। तीन बार आप लड़ाई कर चुके हैं, तीनों बार हारे हैं, तीनों बार फतेहयाब हुए हैं सर। हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट ना कीजिए सर, इट्स अ लॉन्ग डिबेट, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट ना कीजिए। जो अभी अभी मैंने सवाल किया उसी पर रहे तो मेरा ख्याल मुनासिब होगा। नहीं, ये आपको लगते है ना जज्बात, ये परसों 13 हमने टेररिस्ट मारे हैं, इनमें कितने पाकिस्तानी रेजिडेंट है? टेररिस्ट मारे हैं, ये लश्कर तोयबा के लोग हैं, ये जैसे मोहम्मद के लोग हैं, ये कश्मीरी नहीं है। मुझे अफसोस कश्मीरियों के लिए जो आपके कश्मीरी शहरियों को, आम कश्मीरी शहरियों को आपने मारा है, निहत्तों को मारा है। और हम बानी लश्कर तैयबा था, बात है तो आप इंटरनेशनल मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे? आप जाने देना इंटरनेशनल मीडिया को, आप हकूक इंसानी की तंजीमों को जाने दें, किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को आप उस वादी में दाखिल नहीं होने देते। क्यों पाबंदी है वहां इंटरनेशनल मीडिया पर? अभी आप खुद कह रहे हो कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आते हैं, वो क्या रिपोर्ट देते हैं? अगर आने नहीं देते तो रिपोर्ट कैसे देते? बिलखसूस इलेक्शन में तो बिल्कुल किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को आप नहीं जाने देते। आपने इलेक्शन को बेंचमार्क कहा था वहां पर इंडियन कंट्रोल के हवाले से, वो जिस किसी कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड इलेक्शन होते हैं हम सब जानते हैं जी। आपके अपने लोगों की हमने बात की थी, जनरल साहब ने बात की, आपके अपने जो लोग वहां चले जाते हैं वो भी भारत के खिलाफ बात करते हैं। वहां अरुण धती राय की राय आप पढ़ लें, आप उजाय शुक्ला की पढ़ लें, आप खालिद हसन की पढ़ लें, ये रिपोर्टें वहां शाया होती हैं, आपको ये चीजें नजर नहीं आती? आज एक ट्वीट, आज लाखों लोग निकलते हैं, आपको नजर नहीं आती। उनकी ट्वीट है और वो ट्वीट में ये कहते हैं कि आज चार लोग फिर मारे गए, ये कल की ट्वीट है गालबन, और गोलियां मारी। वो कहते हैं कि जी फिर आप कहते हैं कि ये कश्मीरी जो है ये हमारे इंटीग्रल पार्ट है, उन्होंने कहा जी जिनको गोलियां मार रहे हैं वो तो आपका मुंह नहीं देखेंगे। ये ट्वीट आप देखिए, जनरल साहब इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक की जानिब जाना है। जनरल राज कादियान, हाँ जी जी जी, देखिए जो ये भारत एक सही मायने में डेमोक्रेसी है, इसीलिए हमारे अपने लोग भी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। आप लोगों को डेमोक्रेसी का तजुर्बा नहीं है, आप लोग डेमोक्रेसी सिर्फ कागज पर हो। 33 साल तक पाकिस्तान डिक्टेटरशिप के नीचे रहा है, अभी भी पॉलिटिकल लीडर सिर्फ पावर में है, कंट्रोल में नहीं है। वो इसका कश्मीर की आजादी से क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक है आप कश्मीर में जमहूरियत का असूल मान लेना, कश्मीर में जमहूरियत का असूल मान लें, जो जो चाहे हम करें। जनरल साहब माल के साथ सवाल गंदम होता है, जवाब करना आता है, ये मैं सवाल कश्मीर का करती हूँ जवाब बलूचिस्तान का देते हैं, मैं सवाल कश्मीर पे पूछती हूँ जवाब जमहूरियत पाकिस्तान में जमहूरियत पे देते हैं, कश्मीर की बात कीजिए ना सर। कश्मीर का मैंने शुरू में कश्मीर में जमहूरियत का असूल अपना ले सर। जो डॉक्टर फरीद बराजा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आप जमहूरियत की बात करें, कश्मीर में ही जमहूरियत ले आइए, खुद ही फैसला हो जाएगा। हमारे लिए कश्मीर भी, बाकी जो 28 सूबे और हमारे पास 29 स्टेट है, कश्मीर वो एक उसका हिस्सा है। कश्मीर भारत के खिलाफ है ना, वो आपको लगता है ना? अगर सब आपके खिलाफ है तो उन्होंने अपनी सरकार कैसे चुन ली 2014 में? वो वोट आपने डाले थे, 250